टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद में इंडिया का नया हेड कोच बनाया जाना है, क्योंकि अभी फिलहाल राहुल द्रविड़ का कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप के बाद में समाप्त हो जाएगा। और इंडिया की हेड कोच बनाए जाने के लिए कुछ खिलाड़ियों का नाम इस सूची में आजकल ज्यादा चर्चा में है, जिनमें गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, MS धोनी और साथ ही जहीर खान जैसे खिलाड़ियों का नाम इस सूची में आजकल चर्चा में चल रहा है। और टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए सबसे बड़ा जो नाम सामने निकल के आ रहा है वह गौतम गंभीर और MS धोनी के बीच में है। तो गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बन सकते हैं, लेकिन MS धोनी फिलहाल टीम इंडिया के नए हेड कोच की पद नहीं संभाल सकते हैं। इसके पीछे का आपको रीजन बताऊं तो टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को सभी प्रारूपों से संन्यास देना होता है, लेकिन MS धोनी ने अभी तक IPL से संन्यास की घोषणा नहीं की है, जिसकी वजह से MS धोनी टीम इंडिया के हेड कोच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। MS धोनी में एक हेड कोच बनने के लिए सभी क्वालिटी उपलब्ध है, लेकिन MS धोनी को कोच बनने के लिए IPL से संन्यास की घोषणा करनी होगी। लेकिन MS धोनी के बाद में सिर्फ गौतम गंभीर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस पद को बहुत बखूबी से संभाल सकते हैं। साथ ही इंडिया के हेड कोच बनने के लिए हरभजन सिंह ने भी अपनी मंशा जाहिर की है। हरभजन का कहना है कि अगर उनको यह मौका दिया जाता है तो वह इस पद को पूरी तरह से संभालने की कोशिश करेंगे। तो टीम इंडिया का नया कोच टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद में घोषित किया जाना है, और यह कोच 4 साल के लिए होगा, यानी कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बाद में अगला कोच नियुक्त किया जाएगा। तो अभी नया कोच बनने का जो कार्यकाल है वह वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताएं कि टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन हेड कोच की भूमिका कौन निभा सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।